नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ई सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं 12 टिश्यू साल्ट रेमेडीज के ऊपर, जो कि डॉक्टर सुसलर द्वारा दी गई है रेमेडीज हैं, जो कि साल्ट यानी कि टिश्यू रेमेडीज हैं फ्रेंड्स, साल्ट रेमेडीज हैं जो कि मिनरल्स से बनाई गई हैं और इनके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है फ्रेंड्स। आज हम उसी आधार पर इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन साल्ट रेमेडीज को सीखना चाहते हैं, अभी जानना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसके लिंक दे देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम पहली रेमेडी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुल 12 रेमेडीज हैं, जैसा कि अपन शुरू में ही बता दिया कि 12 टिश्यू साल्ट रेमेडीज हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है, इसका जो रेमेडी नेम फ्रेंड्स, यानी कि जो इसकी मेडिसिन है, उसका नेम है कलकेलिया फ्लोरिका, CALCARIAFLUORICA फ्रेंड्स। अब इसका हम केमिकल नेम आपको बताना चाहते हैं, यानी कि इसका जो रासायनिक नेम है फ्रेंड्स, वो है कैल्शियम क्लोराइड, इसको कहा जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CaF2। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिनल यूजेस, यानी कि किस प्रकार से बेनिफिशियल है। अगर किसी पेशेंट को अगर ये सिम्टम्स मैच करते हैं, जो सिम्टम्स हम बताने जा रहे हैं, तो ज़रूर दीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है, अ पावरफुल टिश्यू रेमेडी फॉर द हार्ड स्टोनी ग्लैंड्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट में आपने देखे होंगे कि उनके जो ग्लैंडुलर है या कि शरीर का कोई भी पार्ट है, वहाँ पे एक सिस्ट बन जाती है जो कि काफ़ी हार्ड हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो मसल्स है वहाँ पे वो टाइट हो जाती है, जहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं उसको लाइकोमा भी कह सकते हैं, और कई बार वहाँ पे जो डैमेज सेल हैं वो भी इकट्ठा हो जाती हैं, जो कि एक प्रकार का सिस्ट बना लेती है, गांठ बना लेती है। ऐसे पेशेंट के लिए यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कुछ लोगों में मल्टीपल सिस्ट देखने को मिलता है, अगर ऐसा देखने को मिले तो आपको थोजा ओ को भी याद करना है फ्रेंड्स। लेकिन कलकेलिया फ्लोर, यानी कि जिसको अपन कैल्शियम फ्लोराइड कहते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी रहेगी अगर ऐसा सिम्टम्स है तो। इसके साथ फ्रेंड्स, ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है वेरिकोस एंड इनलार्ज वेन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में कि उनकी नस उभार आ जाती है, चाहे पैर में देखिए, उनको जांघ में देखिए, या कि घुटने के नीचे देखिए, या कि हाथ में देखिए, या कि उनको कई बार मल्टीपल जगहों पर भी देखने को मिलती है कि जो नसें होती हैं बहुत ज़्यादा उसमें उभार आ जाता है, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसको हम फिंगर से अपने पकड़ सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वेरिकोस वेन है तो आपको हेमामेलिस वर्जीनियाना को जरूर याद करना है, क्योंकि उसके लिए उससे बेहतर कोई रेमेडी नहीं है। हमने अपने प्रैक्टिस में उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे हैं। वेरिकोस वेन में तो ऐसे रिजल्ट फ्रेंड्स कि आप समझ सकते हैं कि जैसे चुटकियों में, मतलब कि 10-15 दिन में हमने उसके रिजल्ट देखे हैं हेमामेलिस वर्जीनियाना का वेरिकोस वेन में। तो ध्यान रखिएगा, उसके साथ आप इसको भी दे सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी ये रहेगी फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स, लीडम फॉल भी काम करती है, अगर किसी को पिंच लग गया हो उसके बाद अगर ऐसे सिम्टम्स आए हों तो। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स कि ये रेमेडी काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है मल न्यूट्रिशन ऑफ बोन्स। आपने देखा होगा कि लोगों की ऐसा समझ सकते हैं कि न्यूट्रिशन का अभाव हो जाता है, यानी कि उसको अपन माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए भी यह रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी जिनको पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, कैल्शियम का, फास्फोरस का, जिंक का, पोटाश का, है ना। तो ऐसे पेशेंट के लिए ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव रहती है जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में पोषक तत्वों के अभाव की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हों, ऐसे पेशेंट को आप इसको जरूर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको ठीक कर देगी लेकिन हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए तो आपका खाना ही ठीक कर सकता है, इसलिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़रूरी है। तो अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो दवा कितने दिन काम करेगी आप समझ सकते हैं। तो अगर हड्डियों की समस्या है तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी आप दीजिए वो न्यूट्रिशन को दीजिए, पोषक आहार को दीजिए, अच्छे खाने के दीजिए, उसके साथ इस रेमेडी को जरूर दीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा 100%, बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट इसमें देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स, हार्ड नोट इन फीमेल ब्रेस्ट। आपने देखा होगा कि कई बार फीमेल के अक्सर ये देखने को मिलता है, ये तो कॉमन केस होता चला जा रहा है कि ब्रेस्ट में सिस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वहाँ पे मल्टीपल सिस्ट भी देखने को मिलती हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, अगर ऐसी समस्या है तो फाइटोलका डिकेंड्रा को भी देना है, फाइटोलका वेरी भी चलती है फ्रेंड्स, कोनियम मैकुलेटम भी, कोनियम बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन उसके साथ साथ आप कलकेलिया फ्लोर को जरूर दीजिए,
बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे अल्सरेशन माउथ एंड थ्रॉट, जिसमें से कि आपको स्क्रोफुलस पेशेंट हो यानी कि ग्रेंडुलर इन्फ्लेमेशन है, ऐसे पेशेंट को अपन कलकेरिया फास भी देते हैं यानी कि फास्फोरस देते हैं, कैल्शियम फास्फोरस, लेकिन इसके साथ साथ कलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी रहेगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।